हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज के स्टूडियो में हम देखने वाले हैं टैक्सिम और ड्राई सिरप के बारे में, जिसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो होता है सिफेक्सिम ओरल सस्पेंशन आईपी। तो आज के स्टूडियो में हम देखने वाले हैं टैक्सिम और ड्राई सिरप के फ़ायदे और नुकसान, और इसे कब हम यूज़ कर सकते हैं, और कितने साल के बच्चे को कितना डोज हमें देना है, और इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे काम करता है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं जो टैक्सिम वो जो ड्राई सिरप है, वो उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है सिफेक्सिम, और सिफेक्सिम एक तरह का सिफेलोस्पोरिन होता है, और सिफेलोस्पोरिन में भी ये थर्ड जनरेशन का एंटीबायोटिक है, तो थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन मेडिकेशन है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनको इन्हिबिट करना। अब ये कैसे इन्हिबिट करता है इसे भी अभी समझ लेते हैं। जैसे जो सिफेलोस्पोरिन होता है वो क्या करता है कि जो पेप्टोग्लाइकन जो लेयर होता है बैक्टीरिया का सेल वॉल का, उसे तोड़ देता है, जिससे जो बैक्टीरिया का जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, और फिर बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इस तरह से ये सिफेक्सिम काम करता है। अब समझते हैं सबसे पहले इसके यूज का, इसे हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे को बुखार है और उसे पारासीटामोल से उसकी बुखार नहीं जा रही है, तो उस बुखार में हम इस सिफेक्सिम का यूज़ कर सकते हैं। यदि बच्चा 3 साल या 5 साल का है, या 3 साल से कम का है और 3 साल से ऊपर का है, तो 3 साल से कम के बच्चा को हम लोग 4-4 ml 2 टाइम दे सकते हैं, और जो 3 साल से ज़्यादा का जो बच्चा है उसको हम लोग 4-4 ml 3 टाइम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सिफेक्सिम है वो है 50 mg, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यदि ये 100 mg रहती, सिफेक्सिम 100 mg, तो इसको हम लोग जो 3 साल से कम का बच्चा है उसे हम तो नहीं देते हैं, लेकिन 3 साल से ऊपर के बच्चा को 5-5 ml 2 टाइम देते हैं। तो हमें इस वीडियो में यहाँ तक पता चल गया कि इसका क्या काम है और ये कैसे काम करता है। अब समझते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट का। साइड इफ़ेक्ट जो इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट पता चल जाता है जस्ट उसी समय जैसे हम इस बच्चा को देते हैं। जैसे बच्चा वोमिटिंग कर देता है, डायरिया होने लगता है, नौजिया होने लगता है, उसके एब्डोमेन में पेन होने लगता है, और वो इस चीज़ के एलर्जी होता है, तो हमें एक ही डोज में पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है वो सिफेक्सिम से एलर्जिक है। तो उस समय जो डॉक्टर होते हैं वो सिफेक्सिम जगह चेंज करके सिफोडॉक्सिम का यूज़ करते हैं, वो भी एक तरह का सिफेलोस्पोरिन ही है, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन का मेडिसिन होता है। तो इस तरह से हम इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में समझ गए और ये कैसे काम करता है। अब समझते हैं कि इसे हम कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इसमें एक ड्राई पाउडर होता है और एक लिक्विड होता है, इसे हम बोलते हैं स्टराइल लिक्विड। तो जो ये लिक्विड है, इस लिक्विड को हम लोग उस डब्बे में डाल देते हैं, इस डब्बे में, उसके बाद इसे घोल देते हैं। अब जब इसे आप इसे घोल दिए तो इसे 7 दिन से ज़्यादा आप यूज़ ना करें, 7 दिन के बाद ये ख़राब हो जाता है। अब इसे बच्चे को पूरा 7 दिन तक दे, इस तरह से जो उसका बुखार है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, थोड़ा सा भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं रह जाता है। तो ये हमारी बात थी टैक्सिम और ड्राई सिरप के बारे में। ऐसे ही हम मेडिसिन पे वीडियो लेके आते रहते हैं, और आप किस मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जरूर दें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।